शत्रुघ्न लाल कौशल। उस दिन भैया क्या हुआ था बताया जा रहा का प्रयास किया, हल्का सा हम आगे ही बढ़े थे कि उन्होंने मेरे पे लठ से वार कर दिया। लठ से वार करते ही मेरे ओंठों से दांतों के नीचे से खून खून निकलने लगा जी। तो इसके जो आपका जब खून निकला तो आपने इसका कुछ मुलायजा या फिर कुछ कहीं तो हॉस्पिटल में दिखाया? इन्होंने हमारा मुलायजा नहीं कराया, प्राइवेट हॉस्पिटल जी। तो ट्रीटमेंट के बाद में आपके पास रिपोर्ट भी होगी? बिल्कुल रिपोर्ट है सर। कितने पांच टाके आए? पांच टाके आए मेरे को, जो कि मेरे को बहुत ही पीड़ा दे रहे हैं जी। क्या चाहते हैं फिर आप यहाँ एसपी ऑफिस? बस एसपी ऑफिस में आता हूँ कि उसको निलंबित की पूरी कार्रवाई की जाए और मुझे न्याय मिला जाए जी। आज महाकौशल विधि छात्र संघ के द्वारा जो आरोपी राहुल अरगल है जिन्होंने शत्रुघ्न कौशल जी को लठ से वार कर उन्हें खून से लथपथ कर दिया, सबसे बड़ी बात तो ये है वो पुलिस में है कि नहीं पहले तो ये जांच करवाएं, क्योंकि पुलिस में है तो मानवता नाम की कोई चीज नहीं है क्या? लठ से मार के लहूलुहान करने के बाद वो वहां से भाग चुके। मैं एसपी साहब से पूछना चाहता हूँ कि पुलिस प्रशासन जनता का रक्षक है कि वर्तमान में जनता का राक्षस बन चुका है कि जनता की जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि एक चालान की कीमत से वसूला जाएगा क्या? क्या 250 रुपए से भी सस्ती हो चुकी है कि उनको मार के उनके खून से लहूलुहान कर दिया जाए? आज उनको कौशल जी को पांच टाके आए हैं। आज महाकौशल लॉ स्टूडेंट एसोसिएशन के पदाधिकारी आए थे, इनका कहना है कि 3 तारीख को गोदाम चौराहे पर शत्रुघ्न कौशल नाम के व्यक्ति को एक राहुल अरगल जो आरक्षक था उसके गाड़ी के सामने डंडा अड़ा दिया जिससे उसकी ओंट पर चोटें आई है। इनका ज्ञापन हमने ले लिया है और मामले को भी संज्ञान में ले लिया है, इसकी जांच कराई जाएगी और जांच में अगर कोई इस तरह का मिसबिहेव पाया गया तो निश्चित रूप से संबंधित आरक्षक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई संस्थित की जाएगी।